बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के हून से भर देते, और फिर उस हून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको हून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस हून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे, और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस हून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली, और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सबको काबा शरीफ पहुँचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने हून से बड़े बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे कि चचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने हून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी उम्र मुबारक 9 साल थी, आप अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चचा कहने लगे, नहीं नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुँच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए जिन्होंने हून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान लोगों से बढ़ गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी
वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ऐ अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, जमीन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे, उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा, मेरे को भी आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्का के बड़े, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा, जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ऐ भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? तो ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पूंछने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पूंछना शुरू किया। ये देखकर चचा का अपने भतीजे पर प्यार उभर आया और साथ ही अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी एक ने ये बात सुन ली और वो जोर से कहने लगा, ऐ मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ऐ पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो सब गर्मी में मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग
कहने लगे, ऐ मोहम्मद आ जाओ, ऐ मोहम्मद जल्दी आओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? उन लोगों ने कहा कि हम सब यहाँ पानी मांग रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम पीछे चले जाओ। तो ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे कि ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ऐ मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। वो सब लोग तो पहले ही थक हार चुके थे, इसलिए वो 20 लोग जो पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा के पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तो सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ऐ मोहम्मद अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ऐ लोगो, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो ये सुनकर वो लोग चिल्ला कर कहने लगे, ऐ मोहम्मद तुम क्या मांगोगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा और चेहरा उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह, ये है हमारे नबी की शान। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।